सोमवार देर रात देवली वर्धा मार्ग पर सेलसुरा के पास एक कार पुल से करीब 40 फीट नीचे गिर गई, जिसमें वर्धा के सावंगी मेडिकल कॉलेज के 7 छात्रों की दर्दनाक मौत होने की खबर सामने आई है। इस हादसे में तिरोड़ा गोरेगांव के भाजपा विधायक विजय राहंगडाले के बेटे अविष्कार राहंगडाले की भी मौत होने की जानकारी मिली है। मृतकों में सावंगी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल छात्र नीरज चौहान, अविष्कार राहंगडाले, नितेश सिंह, विवेक नंदन, प्रत्युष सिंह, शुभम जायसवाल, पवन शक्ति का समावेश है। सभी मृतक छात्र 25 से 30 आयु वर्ग के होने की जानकारी है। देर रात हुए इस हादसे के बाद जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन बचाव कार्यों में रात भर जुटे रहे और सुबह 4 बजे शव निकाले जाने के बाद मृतक छात्रों की पहचान हो पाई। वर्धा के एसपी प्रशांत होलकर ने बताया कि बीती रात करीब 11:30 बजे सेलसुरा के पास एक पुल से कार गिरने से यह हादसा हुआ है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग और प्रशासन टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त हुई कार से शव को बाहर निकाला गया। बताया गया कि ये सभी छात्र जाइलो कार में सवार थे। कार तेज रफ्तार से रेलिंग से टकरा गई, जिसके बाद वह पुल से नीचे गिर गई। इस मामले में ड्रंक एंड ड्राइव की भी आशंका जताई जा रही है। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।